another video of San Michael's Academy e-learning class. I am Sriram, teaching you accountancy of class 12. Student, आज हमारा topic है, that is the goodwill, nature and valuation, जो हम previous videos में भी पढ़ रहे थे. So, उसी videos का sequence है ये, जो कि आज हमारा third method of valuation of goodwill है, that is capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें दो मेथड पढ़ने हैं. फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें करना क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं हम अंडर दिस मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिडक्ट द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड और यू कैन सी इट एज अ नेट असेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. दैट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो गुडविल, हमारा क्वेश्चन है कि हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है. सो गुडविल का जो हमारा कैलकुलेशन करने का जो मेथड होगा, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और यू कैन से एट एज नेट असेट्स. सो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है, नेट असेट्स गिवन होता है, या हम उसे कैलकुलेट भी करते हैं. सो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस थे. फर्स्ट इज द असेट साइड अप्रोच एंड अनदर इज द लायबिलिटी साइड अप्रोच. तो आप उस वीडियो को भी देख करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ड्राइव करना है, वो हम देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं. एंड द कैपिटलाइज वैल्यू, जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस एवरेज वैल्यू को वो कैसे निकालें? तो उसके लिए क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा. दैट विल बी द एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इस मेथड को समझने के लिए एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके नाउ स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम टीएस ग्रेवार 2019 एडिशन. क्वेश्चन नंबर 38, हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देन आफ्टर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड द क्वेश्चन इज अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फेव इयर्स. बिजनेस में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहां पे हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट गिवन है. एवरेज प्रॉफिट इज 1 lakh गिवन है हमारे क्वेश्चन में. ड्यूरिंग द लास्ट फेव इयर्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 lakh. जो असेट्स है वो हमारे गिवन है 10 lakh एंड फॉर द And its external liabilities are 1,80,000. और जो उसका external liabilities है, that is 1,80,000. And the normal rate of return is 10%. और जो हमारा normal rate of return है वो क्या है, 10%. So ये हमारे पास question available है कि average profit is 1 lakh, assets value 10 lakh, external liabilities 1,80,000 and normal rate of return is 10%. इसके बेसिस पे हमें निकालना है the value of goodwill. क्या हमें कैलकुलेट करना है goodwill को, हमको वैल्यू निकालना है. ये हमारा क्वेश्चन है. कौन से मेथड को फॉलो करना है? एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए क्या क्या है, हमें पता होना चाहिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम नेट असेट्स भी बोलते हैं. यह हमारा फॉर्मूला है. अब कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जो क्वेश्चन पूछा है. जो अब हमारा कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
multiply by 100 upon NRR, that is normal rate of return given in the question. Average profit भी हमारे questions में given. अब हमें यहाँ पे एक चीज और निकालना पड़ेगा कि हमारा जो capital employed है, capital employed जो हमारा given है वो कैसे निकालेंगे. तो capital employed जो हमारा assets given है, all assets minus external liabilities. ये हमने जब सुपर प्रॉफिट मेथड की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे ये हमने टॉपिक देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो हमारा असेट्स एंड अप्रोच होता था ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो ये हमारा असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. सो नाउ अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. सो हमारा असेट्स गिवन है दैट इज 10 लाख. तो हमारा ये जो कैपिटल इंप्लॉयड यहां पे अगर हम निकालते हैं 10 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन द क्वेश्चन दैट इज 1,80,000. व्हेन वी डिड इट, इट विल बी 8,20,000. तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकल गया, 8,20,000. Now, ये हमारा ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा वर्किंग नोट्स होगा बिकॉज क्वेश्चन में केवल पूछा है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. सो व्हाटएवर जो हम वर्किंग करते हैं उसके पहले हम वर्किंग नोट्स लिख देते हैं. तो ये हमारा वर्किंग नोट्स है कि कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए जो हमारा असेट्स गिवन है, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट इज 8,20,000. नाउ कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज गिवन द क्वेश्चन दैट इज 10%. ओके, नाउ दैट विल बी इज इक्वल टू 100,000 10 लाख. इट मीन कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख. अब हमें गुडविल निकालना है. सो सिंपल गुडविल का फॉर्मूला हमें याद है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू दैट इज 10 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है दैट सॉरी हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज 8,20,000. सो 8,20,000 व्हेन वी डिड इट विल बी 1,80,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस इज आवर आंसर. So this is how we have to calculate the goodwill using the average capitalization of average profit. इसे pause करके note down कर लीजिए या इसका screenshot लेकर के आप बाद में भी अपने copy में note down कर सकते हैं. Okay? Now student, हम एक और question अभी solve करके देखते हैं. That is question number 39 from T.S. Grewal book 2019 edition. जो कि हमारा है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड पर. सो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. दैट इज कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं. सो प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31st of March आर एज फॉलो. कुछ 5 ईयर्स लास्ट पिछले 5 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है. फिर क्या दिया है, कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज 20% एंड द नेट असेट्स ऑफ द फर्म इज 2 लाख. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट गिवन है. प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन था बट इन दिस वेरी क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. सो हमारा जो फर्स्ट मेथड था द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखे थे. उसी फॉर्मूले को यहाँ पे हमको पुट करना है. केवल मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं तो प्रॉफिट्स आर गिवन 2019 का प्रॉफिट गिवन है दैट इज 54,000. देन आफ्टर 2018 गिवन 42,000. देन आफ्टर इट्स 39,000 एंड 67,000. देन आफ्टर इट इज 59,000. ये हमारा प्रॉफिट गिवन है ऑफ द लास्ट 5 इयर्स. तो ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन यहाँ पे. सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है, सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज द कैपिटलाइजेशन रेट. कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू 20% गिवन इन द क्वेश्चन. एंड थर्ड नेट असेट्स, जो हमारा थर्ड इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज द नेट असेट्स इज इक्वल टू 2 लाख.
सो हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है यूजिंग द मेथड कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी प्रॉफिट्स गिवन है ऑफ द लास्ट 5 इयर्स उसे हम पहले ऐड करेंगे एंड देन आफ्टर उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट. तो नाउ लेट्स स्टार्ट, इसे हम ऐड करते हैं. That is 261,000. Now simply करने से हम 5 से divide कर देंगे, then we will get 5 5 21 carry 1 5 10 carry 1 10 2 0 0. That will be 52,200. हमारा ये average profit है. कैसे average profit आया? So हमने ये 1 2 3 4 5 पांच साल के जो profit दिए हैं इसे हमने add किया. Add करने पे हमें आया 261,000 and then after इसे हमने divide किया by 5 because the number of observances that is 5, हम 5 से divide करते हैं, then we will get the average profit that is 52,200. अब क्या करना है, हमारे पास formula है goodwill को calculate करने के लिए. हमारे पास formula क्या है, capitalized value minus capital employed or you can say is at net assets. So capitalized value निकालने के लिए हमारे पास क्या formula है, again capitalized value is equal to average profit multiplied by 100 upon normal rate of return. Simple. अब यही चीज को हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पुट करना. नाउ जब हम सॉल्यूशन इसकी बनाना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के लिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है. सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, ये वर्किंग नोट. तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं. कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 52,200 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 20. ओके, तो जब हम इसे हम कैलकुलेट करेंगे ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. 0 0 5 to 10 कैरी 1, 5 to 10 11 कैरी 1, 5 to 2 61,000. नाउ अब हमारा जो गुडविल है, जो हमारा मेन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का बात रहेगा कि कैलकुलेट द गुडविल, तो ये हमारा है गुडविल इज इक्वल टू 261,000 का कैपिटलाइज वैल्यू. यहाँ पे हम 261,000 और यहाँ पे हम वर्किंग नोट लिख सकते हैं. ये वर्किंग नोट 1 से आया है, यहाँ जो हमने वर्किंग नोट निकाला था, वर्किंग नोट 1 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इट मींस नेट असेट्स गिवन दैट इज 2 लाख. जब हम माइनस करेंगे देन इट विल बी 61,000. इट मींस गुडविल इज इक्वल टू 61,000. दिस इज आवर आंसर सॉल्यूशन. सो ये हमारा एक मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गुडविल के वैल्यूएशन को निकाल सकते हैं. इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर. ओके,